ओके फ्रेंड, ये वो गोरिल्ला पॉड जो मैं लेके आया था, और इसके अंदर देखिए जो ये चीज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो फर्स्ट टाइम हमारे कैमरे से है, जो नया कैमरा हम लेके आए हैं। तो चलिए हम मंदिर में चलते हैं। आज अभी मॉर्निंग के 10 बजे हैं, तो पहले मंदिर होके आऊँगा मैं। पहले जो मॉर्निंग में जो मैं गार्डनिंग का जो काम है वो किया था, और इसके बाद मैंने सोचा आज जो हमारे नए कैमरे से व्लॉगिंग करते हैं तो कैसा लगता है और कैसी इसका जो क्लियरिटी है वो कैसी आती है। वैसे मैंने इसको टेस्ट किया था मम्मल बोनसाई पे, तो ठीक रिजल्ट आया था। लेकिन आज मैं इसको जो इसके नीचे एक जो पॉड है, यानी जो ट्राईपॉड होता है, एक गोरिल्ला पॉड होता है। मैं एक्चुअली मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली गया तो मैं एक गोरिल्ला पॉड लेके आया था इसके लिए, लेकिन क्या है मैं कैमरा साथ में ले गया तो मैंने जो गोरिल्ला पॉड लिया वो क्या है उसका जो स्क्रू होता है जो कि कैमरे के अंदर टच होगा वो जो है मोटा है, तो इसके अंदर टच नहीं हुआ। तो अभी मुझे जो ट्राईपॉड है वो यूज़ करना पड़ रहा है, और ट्राईपॉड जो है इसका काफ़ी हैवी है। ट्राईपॉड भी मैं वहीं से लेके आया हूँ, तो जो गोरिल्ला पॉड है वो सस्ता था, वहाँ पे 600 रुपये का था। मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग इसी से करते हैं, बाद में फिर और अच्छा ले लेंगे। लेकिन मिस्टेक ये हो गई कि मैं कैमरा नहीं ले गया, मैंने लगा के नहीं देखा, तो अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक हाथ से इसको इस तरह से पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, ज़्यादा देर तक मैं इस तरह से इसको नहीं पकड़ सकता, काफ़ी हैवी है। खैर, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तब देखूँगा, अगर वो चेंज कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई जुगाड़ लगाना होगा। यानी कि जो पुराना हमारा ट्राईपॉड था जो सिल्वर कलर का, वो ट्राईपॉड का जो स्क्रू है वो निकाल के मैं इसमें फिट करूँगा, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो। अगर उन्होंने चेंज कर लिया तो अच्छा है, अदरवाइज हमें जुगाड़ ही करना पड़ेगा। पीछे देखिए आप जो ग्रीनरी है कितनी अच्छी है, पूरा एरिया काफ़ी ग्रीन हो गया है यार, ये काफ़ी हैवी है, बाकी ठीक है। तो अभी मैं मंदिर के नज़दीक आ गया हूँ, पहले मंदिर में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो गाय है यहाँ पे, मैं मॉर्निंग में एक रोटी जो है गाय को दे देता हूँ, और कुछ दाने जो हैं वहाँ मंदिर की जो छत है वहाँ पे हम डालते हैं पक्षियों के लिए, तो वो हम डालेंगे। उसके बाद मैं कुछ देर चाचा जी के पास यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ, फिर दोबारा से जो काम है वो शुरू करता हूँ। तो चलिए पहले जो गाय है उसको हम, ये देखिए जो गाय है वो मुझे देखते ऐसे करने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसके लिए जो रोटी है एक रोटी लेके आता हूँ मैं डेली इसके लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या होता है गांव में, जब हम रोटी बनाते हैं खाना बनाते हैं तो जो फर्स्ट रोटी होती है वो गाय के लिए निकाल दी जाती है ताकि गाय को दी जाए। कहते हैं कि गाय के अंदर जो हमारे सभी देवी देवताओं का जो वास होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पूजा जाता है इंडिया में। तो सेम हर जगह की तरह यहाँ पे भी एक रोटी इसके लिए निकाल दी जाती है, और वो मॉर्निंग में मैं ही देने आता हूँ। मॉर्निंग में मैं इसको देने के बाद कुछ दाने लेके आता हूँ जो हम जो छत है उस छत पे डाल देंगे। तो चलिए इसको जो रोटी है वो दे देते हैं। पर एक चीज़ जो है यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि जब मैं ये लेके आता हूँ तो बाकी की जो यहाँ पे आपको जो भैंस वगैरह दिख रही है ये सोचती होगी कि ये मुझे कभी नहीं देता, इसको ही सिर्फ क्यों देता है। जी के जो मंदिर वाला एरिया है यहाँ पे 8 एनिमल है, यानी कि 8 पशु है, जिसमें 2 गाय हैं, 1 ब्लैक कलर के हैं, और बाकी जो भैंस है भैंस के बच्चे हैं वो है। चलिए अब मंदिर जो है मंदिर पे चलते हैं, और उसकी छत पर कुछ जो दाने हैं मैं वो डाल देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है, उसके थ्रू मैं ऊपर चढ़ता हूँ, जैसे कि आपने पहले एक वीडियो में देखा होगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ और जो दाने हैं वो डाल के आता हूँ। दोस्तों, तो यहाँ पे जो छत है, ये देखिए छत है, जो यहाँ छत पे हम जो दाने हैं वो मैं डाल देता हूँ थोड़े से, फिर हम चलते हैं यहाँ से। आज काफी तेज हवा चल रही है, वैसे धूप है पूरी। आपको याद होगा हमने एक बार यहाँ पे जो पानी रखने के लिए घड़ा बनाया था वो बाद में मैंने नीचे रख दिया था, क्योंकि छाया में रखने धूप में रखने से क्या है वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। देखिए पीछे अमरूद का ट्री है, और ये जो लगी हुई है सीढ़ी ये बिल्कुल इसके ऊपर ही है, तो कुछ ब्रांचें जब ऊपर चलते हैं तो लगती है।
वैसे मैं इससे भी मैनेज कर सकता हूँ, अगर गोरिल्ला पोर्ट नहीं भी हो तो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दाने डालने के बाद जो मंदिर है इसमें चलते हैं। ये मंदिर 2012 में यहाँ पे बनाया था चाचा जी ने। पहले सिर्फ ये जो हिस्सा है इसका, यानी कि जो सामने आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, सिर्फ इतना हिस्सा था। उसके बाद हमने क्या किया, जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये एरिया और बनाया था, लेकिन तब यहाँ पे जो शिव परिवार है वो नहीं था, सामने जो माता जी की मूर्ति है वो नहीं थी। ये उसके बाद हनुमान जी के बाद इनको यहाँ पे रखा, फिर उसके बाद जो शीतला माता की मूर्ति है वो यहाँ पे लगाई थी। अब काफ़ी बड़ा हो गया मंदिर, हो सकता है आगे आगे चलकर और बड़ा होगा। चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे जो चाचा जी है मॉर्निंग में झाड़ू मार देते हैं, लेकिन उसके बाद मैं जब भी आता हूँ तो एक बार मंदिर में पूरे में जो झाड़ू है वो लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ कर निकल जाता हूँ सिर्फ पूजा करके। ओके, तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकालता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। दोस्तों जो पूजा है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ आने का जो मकसद है वो यही होता है कि मैं जब यहाँ पे आऊँ तो एक तो गाय को रोटी मिल जाएगी टाइम पे, दूसरा जो पक्षियों को कुछ दाने जो मैं डालता हूँ वो उनको टाइम पे मिलता रहे, अदरवाइज वो वेट करेंगे। एक बार आपको याद होगा हम एक जगह गए थे ब्लेसर, जहाँ से हमने बोनसाई हंटिंग की थी, तो उस जगह पर मैं कल दोबारा जाऊँगा, तो वहाँ का व्लॉग आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। और उस जगह पे क्या है, मंडे को शायद कल वहाँ पे मेला लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या है जित सावन का जो महीना है, यानी कि ये जो महीना है इस महीने में हर मंडे को वहाँ पे जो मेला है वो लगता है, तो होप कल मेला लगा हो तो अच्छा, और भी अच्छा होगा। अदरवाइज़ वैसे तो घूमने का जो मज़ा है वो जब मेला ना होता है, क्योंकि उस टाइम पर भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी। कैमरे की क्लैरिटी और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर किया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ये आज का जो व्लॉग है ये हम फर्स्ट व्लॉग के नाम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस कैमरे से हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो अब जो है ये फर्स्ट व्लॉग है, और आगे हम जो सीरीज है वो बनाते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट व्लॉग, सेकंड व्लॉग, थर्ड व्लॉग, तो उससे ये क्या है हमारे वीडियो का जो वो बन जाएगा कि कितना टाइम हुआ हमें जो इस कैमरे से स्टार्ट किए, कैनन का कैमरा है, स्टार्ट किए व्लॉगिंग। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। ओके फ्रेंड, ये वो गोरिल्ला पोर्ट है जो मैं लेके आया था, और इसके अंदर देखिए जो ये चीज़ है जो आपको दिख रही है आगे नट सा जो है, ये मोटा है जो कि हमारे जो कैमरा है इसके अंदर नहीं लग पा रहा है, तो ये जो नट है मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज कर देगा पूरे पोर्ट को तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा गोरिल्ला पोर्ट है।